अमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल की। जी हां, छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछ लिया और कहा कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री ही बना दीजिए। इस पर सीएम ने विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की बात कही। भूपेश बघेल का कहना था कि अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। बाद में सीएम ने भी साफ किया कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। वहीं उनका यह भी कहना था कि मानसून सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में दो मंत्रियों के पद खाली हैं और ऐसे में कौन मंत्री बनेगा इसे लेकर कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव कैबिनेट का विस्तार जल्दी ही होगा। मुख्यमंत्री ने भी इसके संकेत दे दिए हैं, कहा है कि तैयारी है जो मानसून सत्र है उसकी पूरी कर ही ली गई है और साथ ही में जो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में भी अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। सब तैयारी है, पूरी तैयारी है, इंतजार करिए। मैं भी विष्णु जी से यही बोल रहा था कि भाई कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बना दो, विधानसभा सत्र चल रहा है तो बोले विधानसभा पहले बनेगा, ये बोल रहे थे। मेरी बातचीत हुई, अनौपचारिक बातचीत थी, भाई दूसरे विभाग तो आपके पास रह जाएगा लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो होना चाहिए विधानसभा में, जिसे हम लोग लगातार डायलॉग करते रहे। और दीपक बैज जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सत्ता भोगी कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। संघर्ष का साथी आज भी कांग्रेस के साथ ही है, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी भी नहीं होगी, दीपक बैज ने आज ये साफ भी कर दिया। जगदलपुर में ये बात वो कर रहे हैं। जो सत्ता के भोगी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष का साथी है वो कांग्रेस पार्टी से आज भी खड़े हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई भी स्थान नहीं है। रही बात, हम 15 साल हमारी कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, सरकार बनाए, हम सरकार में आज नहीं है, फिर इस आने वाला 5 साल हम जनता के बीच में संघर्ष करेंगे और 2028 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। क्या कुछ कहा पीसीसी चीफ ने, उन्हीं से समझते हैं। श्रीनिवास, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आज जगदलपुर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से जब सवाल किया गया था कि काफी कांग्रेसी जो है वो भाजपा में चले गए हैं, ऐसे में जो कांग्रेसी है, कार्यकर्ता है, चाहे पदाधिकारी है, अगर वो पार्टी में आना चाहे तो क्या पार्टी उन्हें लेगी, तब दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो सत्ता लोभी भोगी जो है, जो सत्ता का लोभ पाकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे, उनकी वापसी अब संभव नहीं है। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ऐसे में जो कांग्रेस छोड़ के गए, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, यहां पर जो जगदलपुर की महापौर है, उन्हें भी कांग्रेस संगठन छोड़ के वो भाजपा में चली गई थी, जिसके बाद काफी कयास लगा रहे जा रहे थे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और जो अन्य लोग थे वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए, अब ऐसे में उनकी वापसी हो पाएगी क्या? तो पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि उनकी वापसी तो अब संभव नहीं है, अब दोबारा उनको पार्टी कभी मौका नहीं देगी। तो ये कह सकते हैं कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आज एक बड़ा बयान देकर जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो संगठन में काम कर रहे, उनके लिए एक सतर्कता के रूप में दे दिया है। जी ऐसी क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं कि कुछ कांग्रेस छोड़ने वाले वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, इसलिए ये बयान दिया? कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो चाह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस संगठन में वापस आ जाए, तो ऐसी सुगबुगाहट हुई है और कांग्रेस की जो संगठन तक बात पहुंची है, लेकिन दीपक बैज ने साफ कह दिया है तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए, उनकी वापसी अब संभव नहीं है, अब उन्हें पार्टी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। होटल में एक तरफ जहां युवती का शव मिला,
तो रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद किया गया है। दोनों अंबिकापुर के ही रहने वाले थे। परिजनों ने थाने में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने होटल में इस घटना के सामने आने के बाद तोड़फोड़ भी की है। तो लड़की का शव जो है वो होटल के कमरे में मिला, लड़के का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को। क्या कुछ जानकारी आकाश इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, सुबह युवती की लाश जो बेबीलोन इंटरनेशनल है वो होटल में मिला है। जेल रोड के पास स्थित ये होटल है। 416 नंबर कमरे में संदिग्ध अवस्था में ये लाश मिली है। जब पुलिस को जानकारी मिली तो पतासाजी में पुलिस जुट गई। इसके बाद जानकारी ये भी सामने आया कि परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई थी युवती को लेकर। और जब युवती की जानकारी होटल में रहने की बात पता चली थी तो परिजन पहुंचे थे भी, लेकिन किसी भी तरीके से इससे संपर्क नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ इसके युवती के साथ जो एक युवक था उसकी भी लाश मिली है। ऐसे में ये मर्डर का मामला भी हो सकता है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी खुलासा होगा। होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है, घर वालों से भी पूछताछ हो रही है, वहीं कॉल डिटेल भी अभी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस हालांकि छानबीन अभी कर रही है कैसे ये घटना हुई, क्यों हुई, इसका इस पर अभी कुछ पुलिस कह नहीं पा रही है, लेकिन ये जरूर कह रही है कि जल्दी मामले का खुलासा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आकाश। गरियाबंद में रोड रेज के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2020 में मालगांव में भीड़ पर हाई स्पीड कार चढ़ा दी गई थी जिसमें एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी जबकि 12 लोग जख्मी हुए थे। रोमित राठौर और सौरभ कोटारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 साल तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली। 29 गवाहों ने गवाही दी कोर्ट में और इसके बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2020 की है। आरोपी रोमित राठौर को और वो सौरभ कुटारे को दोषी सिद्ध पाते हुए धारा 302 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी सिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड, 12 लोग आहत हुए हैं उसमें से 6,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया। बलरामपुर में धान खरीदी में लाखों रुपए का गबन सामने आया। धान खरीदी में 77 लाख रुपए का गबन सामने आया जिसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भवरमाल थाना धान खरीदी केंद्र जो है यहां का ये मामला है। 2023-24 में धान खरीदी में गड़बड़ी पाई गई थी। अनियमितता के संबंध में खाद अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भवरमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगियों द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के संबंध में करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। ये IPC की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं जशपुर में पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 15 साल के बच्चे की जान चली गई। घर से मवेशी ढूंढने के लिए बच्चा निकला था। परिजनों ने गड्ढा खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। तपकरा थाना क्षेत्र के केरसई गांव में यह हादसा पेश आया। और वहीं धमतरी में न्यायिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। वेतन विसंगति को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर यह प्रदर्शन हुआ है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग इस सिलसिले में की गई है और ये न्यायिक कर्मचारी हैं जिन्होंने ये प्रदर्शन किया। वहीं गरियाबंद से खबर आपको बता दें जहां पर तोरेंगा रेंज को अतिक्रमण मुक्त करने का फिर से अभियान शुरू किया जाएगा। कल रेंजर और 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर अतिक्रमणकारियों ने पीटा था। उप निदेशक वरुण जैन ने इसका आदेश जारी किया।
फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाने वालों के खिलाफ भी FIR होगी। उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के तौरेंगा रेंज का यह मामला है। वन विभाग की टीम पर हमला करने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। उधर जशपुर में मवेशी तस्करों पर एक्शन हुआ है। 15 मवेशियों को छुड़वा दिया गया है। मवेशियों को झारखंड दरअसल भेजा जा रहा था और पुलिस को देखकर तस्कर भाग खड़े हुए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मनोरा पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। वहीं गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भैंस से भरे वाहन को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। भैंस की तस्करी करने की आशंका जताई जा रही है। पिंगेश्वर लालपुर रोड पर यह भैंस से भरी हुई गाड़ी पकड़ी गई है। मौके पर वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। देखिए पिंगेश्वर में एक वाहन को कुछ युवकों ने यहाँ पर पकड़ा है, जिसमें ठूस ठूस कर यहाँ पर भैंसों को भरा गया है और यहाँ पर ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि अवैध तरीके से इसकी तस्करी की जा रही थी। तभी यहाँ पर कुछ युवक पहुंचे और यहाँ पर पकड़े हैं। आपको क्या शक हुआ और कहाँ ले जा रहे थे? हमको शक हुआ कि ये खुर्सा से अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं, अवैध रूप से ले जाया जा रहा है, ना कि इनके पास कोई सरपंच का सील किया साइन किया हुआ कोई पत्रक है या कोई परमिशन, ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब मामला हम लोग के संज्ञान में आया तब इन लोगों ने अभी सरपंच के पास जाकर किसान को ले जाकर परमिशन बनवाने प्रयास कर रहे हैं और यहां पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। हालांकि वो दस्तावेज कोई लेकर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल यहां पर कर रही है। देखे होगा कि क्या दस्तावेज लाते हैं और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कुछ लोग वाहन में भर के अवैध रूप से मवेशी लेके जा रहे हैं, सूचना पर अभी आए हैं, जांच में लिया गया है। अभी पूर्ण रूप से जांच नहीं हो पाया है। कुछ अभी तक कुछ दस्तावेज एक लिखित में दिए हैं जिसमें कुछ सील लगा है क्या अमृता सरपंच ग्राम पटोरा का, लेकिन दिनांक जो लिखा है उसमें कटफिट हुआ है। इस संबंध में इधर कवर्धा में मिनी पिकअप वाहन जो है वो पलट गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ और हादसे में 5 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस पिकअप वाहन में 10 से ज़्यादा लोग सवार बताए जाते हैं। एक बड़ा हादसा टल गया। पंडरिया थाने के घुटरकुंडी गांव में ये दुर्घटना पेश आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए ये ऐलान किया है कि स्थानीय भाषाओं में ही अब प्रारंभिक शिक्षा छत्तीसगढ़ में बच्चों को दी जाए। 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में किताबें तैयार कर ली गई हैं और स्कूलों में हर साल ग्रीष्मकालीन शिविर इसके लिए लगाए जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भी बनाया जाएगा। बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को मॉडल स्कूल भी बनाया जाएगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई। बलौदाबाजार पुलिस ने एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जो है ये बालौद जिले से गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम प्रवीण महिलांग बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 155 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। वहीं जशपुर से खबर आपको बताएं, जहां पर छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में बच्चों से मारपीट की घटना अंजाम दी। मारपीट से नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात को ही छात्रावास छोड़ दिया। छात्रावास से निकलकर बच्चे सीधे अपने घर पहुंच गए। छात्रावास अधीक्षक पर आरोप लगाए गए कि अक्सर छात्रावास अधीक्षक उनसे इसी तरीके से मारपीट भी करता है।
और अब हर तरफ एक ही उद्घोष हो रहा है, जय जगन्नाथ, उसी की बात। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ रायपुर में भी जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी मौजूद रहे। वो जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं रायपुर की हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले पुरी की ये रथ यात्रा आप देख सकते हैं। रथ पर सवार होकर जगन्नाथ निकले हैं और भव्य कार्यक्रम हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बार की रथ यात्रा बेहद खास कई मायनों में है, क्योंकि इस बार जो मंदिर के दूसरे दरवाजे जो हैं जगन्नाथ धाम के, वो भी सरकार के द्वारा खोल दिए गए हैं। तो ये और रथ यात्रा खास, और वैसे भी विश्व प्रख्यात ये रथ यात्रा है, जिसमें शामिल होने के लिए और अपने आप को धन्य महसूस करते हुए लोग जो हैं वो इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, रथ को खींचते हैं। और ये रथ यात्रा में आप देख सकते हैं तस्वीरें, ओडिशा के नए सीएम भी नज़र आ रहे हैं और साथ में राष्ट्रपति जो हैं वे भी नज़र आ रही हैं। लाइव तस्वीर, जन सैलाब उमड़ा हुआ है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में, और दूर दूर से, बल्कि विदेशों से भी, क्योंकि विश्व प्रख्यात भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा है, और कुछ इस तरीके से ये रथ यात्रा निकल रही है। हर तरफ जय जगन्नाथ का उद्घोष सुनाई दे रहा है, और तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज रथ यात्रा जो निकल रही है, तीनों रथ जिस पर जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ, अपनी बहन के साथ जो हैं वो रथ पर सवार होकर निकले हैं, और उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग वेश धरकर भी पहुंचे हुए हैं, कोई हनुमान बनकर आया है, कोई कुछ और बनकर आया है। इसके पहले जो प्राचीन परंपरा है सोने की झाड़ू से रास्ते को साफ करने की, वो परंपरा जो है वो भी निभाई जाती है, और उस परंपरा के तहत ये परंपरा जो निभाई गई स्वर्ण झाड़ू से, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो अद्भुत विहंगम दृश्य यहाँ पर ये है, भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा, जिसमें दूर दूर से लोग जो हैं वो शामिल, और राज परिवार के सदस्य ही जो है वो झाड़ू, जो स्वर्ण झाड़ू जो होती है उसे झाड़ू निकालने का काम वो करते हैं, इस परंपरा को निभाते हैं, और ये परंपरा यहाँ पर होती हुई नज़र भी आ रही है तस्वीरों में। और रायपुर की तस्वीर दिखा देते हैं आपको, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा यहाँ पर भी निकली, और इसमें मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे, उन्होंने भी विशेष पूजा अर्चना की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी इस दौरान मौजूद रहे और विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। पूजा अर्चना यहाँ पर किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, अच्छा अनाज का पैदावार हो, हमारे किसान सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। ये आज महाप्रभु जगन्नाथ जी से पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना किए हैं। और आइए आप देखते हैं टॉप 20 खबरों को। जगन्नाथ मंदिर में सीएम